हाल उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। राइट कुक्स में आज हम लोग बनाएंगे अलबेक स्टाइल से चिकन नगेट्स। बहुत मजे के बनते हैं, बहुत डिफरेंट स्टाइल है लेकिन बहुत आसान है। आप लोगों को तो पता है कि बच्चों को ये सब चीज़ें बहुत फेवरेट होती हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो बच्चों के लिए कुछ बनाया जाए और बहुत आसानी से बनता है, कोई इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि बच्चे दाल वगैरह से तो बहुत भागते हैं, इन चीज़ों से ज़्यादा खुश होते हैं। इसको बना के आप फ्रीज़र कर लें और जब बच्चों का दिल चाहे निकाला फ्रीज़र से और फ्राई किया और बच्चों को धनाधन देते चले गए। तो चले फिर आए इन्ग्रीडियंट्स नोट करते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें। इंस्टा पे भी पेज है, प्लीज़ वहाँ भी फॉलो करें। तो चले आए बनाएं चिकन नगेट्स। ये दो अदद मैंने ब्रेस्ट पीस लिए हैं, मैंने इसको कटवाए नहीं है, मैं इसके खुद ही पसंदे बनाऊँगी, ठीक है? तो मुझे अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने इसको कटिंग नहीं कराया है। तो इसमें जाएंगे नमक एक चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच, पिसी हुई प्याज एक चम्मच, लाल मिर्च जो है वो आधा चम्मच जाएगी, वाइट पेपर आधा चम्मच जाएगा, काली मिर्च आधा चम्मच जाएगी, सिराचा सॉस है वो भी आधा चम्मच जाएगा, ये एक चम्मच के करीब सिरका है, ठीक है? नज़र नहीं आ रहा, ट्रांसपेरेंट है इसलिए दिखा देती हूँ, पूरा एक चम्मच है ये जाएगा। तो अब इसको हम कट कर लेते हैं और पसंद की शक्ल हम इसको देंगे कि इसको हम पसंदनुमा कटिंग करेंगे और हाथ को बहुत एहतियात से इसको कटिंग करना है, ठीक है? तो देखें इस तरह से हम इसको कट कर लेते हैं। तो ये देखें इस तरह से हम कट कर लेंगे, थोड़ा सा ऊपर से भी हम एक और पसंदा बना लेंगे। अगर मैं चाहती तो मैं इसको बाज़ार से भी इस तरह से कट करवा सकती थी, मगर मुझे अच्छा लगता है कि मैं ख़ुद ही अपने हाथों से इसको इसी तरह से कट करूं। तो बहुत एहतियात के साथ जो है आपने भी इसको कट करना है, अगर आप घर में चाहो तो कट करना, वरना आप बाज़ार से भी करवा सकते हो, ठीक है? तो बेहतरीन से घर में जितना बेहतरीन बन सकता है उतना, घर की चीज़ तो बनी हुई आपको पता है कि लाजवाब होती है। तो इसमें हम शामिल कर लेंगे नमक, लाल मिर्च, वाइट पेपर, काली मिर्च, ये सिराचा सॉस है, इसको बहुत एहतियात से करना है यूज़, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा ही करना है, बहुत जो है ये हॉट होता है, ठीक है? तो ये सिरका लास्ट में, इसको जो है हम, ये हमारे पास जो प्याज है वो जाएगा इसमें, पिसी हुई है, इसमें मैंने कुछ शामिल नहीं किया है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है वो जाएगा इसमें। अब इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है, तमाम मसाले जो है चिकन में अच्छे से लग चुके हैं। अब क्या करना है वो मैं बताती हूँ। इस तरह का एक बैग लेंगे हम, ठीक है? जिप बैग कहलाता है, इस तरह से हम लेंगे जिप लॉक बैग, ठीक है? इसको लॉक भी हो जाता है ये। इसमें ये सारी चिकन हम ऐसे ही डालेंगे, इसको ना ही हमने चॉप करना है ना कुछ, इसको बिल्कुल साबित साबित पीस ही इस तरह से हम लगा देते हैं इसमें। तो सारी की सारी चिकन हमने जो है इस बैग में डाल देनी है। अच्छा, इसको हमने बिल्कुल चॉपर में नहीं चलाना है, आगे चल के आप देखते जाएं कि क्या होगा। तो इस तरह से इसको बैग में सेट कर देंगे हम और इसकी ज़िप लगा देंगे ऊपर से। अब क्या करना है, इसकी एयर निकालना है हमें, और एयर निकालने के लिए हमने थोड़ा सा इसको खोलना है, तकरीबन एक उंगली चली जाए हमारी। तो ये देखिए थोड़ा सा खोला है और इसकी एयर हमने निकालनी है, ठीक है? तो ये एयर इसकी निकल चुकी है, दोबारा इसको बंद कर देंगे हम। तो आपके घर में अगर हैमर हो तो वो भी चलेगा, नहीं तो बेलन जो होता है उससे हम इसकी जो है इसको बिल्कुल फ्लैट करेंगे, ठीक है? तो ये ज़बरदस्त सा जो है वो फ्लैट हो चुका है। अब इसको क्या करना है, हमें 8 से 9 घंटे के लिए इसको हमने फ्रीज़र में रख देना है,
ताकि ये अच्छा सा फ्रीज्ड हो जाए। ठीक है, अच्छा आपके पास कोई स्ट्रेट ऐसी डिश या ट्रे हो जिस पे इसमें कोई वेव्स ना आए। मेरे पास ये थी स्ट्रेट, तो मैंने इसमें रख दिया है। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई डिश वगैरह हो तो स्ट्रेट ही रखना है इसको, ताकि इसमें कोई वेव्स ना आए, इसलिए कि फिर कटिंग करने में बहुत मुश्किल होगा ना। तो इसको अच्छा सा हम सेट करके इसको रख देते हैं फ्रीज़र में। तो ये 8 से 9 घंटे हमें हो चुके हैं। अब इसको देखें कितना अच्छा फ्रीज्ड हुआ है। इसको हम कट करेंगे, तो सबसे पहले तो इसको थैली से निकालना है। अच्छा, बहुत एहतियात से निकालना है, क्योंकि इसके अंदर आपको तो पता है इसमें बिल्कुल पीसेस की तरह हमने इसमें डाले हुए थे, तो वो पीस अलग नहीं होने चाहिए। ठीक है, और इसका जो भी काम हमने करना है वो इसी तरह फ्रीज्ड हुए भी में ही करना है। इसको बिल्कुल ढीला नहीं करना है कि बिल्कुल ये थोड़ा सा वो हो जाए, क्या कहते हैं, आपका सॉफ्ट हो जाए तो कट करेंगे। नहीं, बिल्कुल इसी तरह इसी में ही इसको जो भी करना है इसी में ही करना है। ठीक है, तो अब इसको हम पहले निशान लगा लेते हैं। तो बहुत एहतियात से करना है ये सारा काम। तो इसको इसी तरह से हमने कट करना है ताकि ये खुले ना, क्योंकि अगर हम इसको पिघला के कट करेंगे ना तो ये खुल जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पसंदे ही हैं ये ना। तो अब इसको थोड़ा थोड़ा सा और कट कर लेते हैं। ये देखें इस तरह से कट हो चुके हैं, सारे इसी तरह से कट कर लेते हैं हम। तो ये सारे इस तरह से हमने कट कर लिए हैं। अब इसका जो है हम बनाते हैं कोटिंग के लिए। कॉर्नफ्लोर हमारे पास 4 चम्मच चाहिए है, मैदा हमारे पास 4 चम्मच चाहिए है, फूड कलर जाएगा थोड़ा सा, 1 अदद अंडा जाएगा, दूध जाएगा इसमें, और ये हमारे पास ब्रेड क्रम्स है वो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम मैदा ले लेते हैं, इसी में हम कॉर्नफ्लोर शामिल कर लेते हैं, और साथ ही इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। इसमें शामिल कर लेंगे 1 अदद अंडा, उसको भी हम मिक्स करेंगे इसी में। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करेंगे। अच्छा, दूध पूरा का पूरा नहीं जाएगा, बस थोड़ा सा ही जाएगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम दूध को शामिल करेंगे और इसका अच्छा सा हम बैटर बनाएंगे। अगर ठीक होगा तो हम थोड़ा सा और दूध डाल देंगे। ठीक है, पहले आप चेक कर लेते हैं हम कितना है, हमें चाहिए जितना उतना है या नहीं। इसको अच्छा सा मिक्स करना है हमें। अच्छा, इसमें हमने शामिल करना है थोड़ा सा और दूध, बस काफ़ी है। अब इसमें हमने एक और चीज़ डालनी है, वो है फूड कलर। फूड कलर मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैं मज़ीद थोड़ा सा और डालूँगी, तो काफ़ी है। तो इसको बना के हम फ्रीज़र कर सकते हैं, बच्चों को ज़रूर बना के दें, या लंच बॉक्स पे भी बना के दें, बच्चे बहुत खुश होंगे और इन्जॉय करेंगे, और हमारी टेंशन भी दूर हो जाएगी कि बच्चे कुछ खाते नहीं हैं। तो देखें काफ़ी है इतना।
अच्छा, इसको जो है हमें बिल्कुल इसी तरह से ही सारे काम करने हैं, इसको बिल्कुल सॉफ़्ट नहीं करके करना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि चिकन जो है हमारी पसंदी की सूरत में है, इसको हमने चॉप नहीं किया है। अगर ये थोड़ा सा भी मतलब इसकी जो बर्फ़ पिघलेगी तो फिर मतलब ये खुल जाएंगे ना, तो ये नहीं करना है। तो अब इसमें हम लगा लेंगे ब्रेड क्रम्स और सारे इसी तरह ही हम जो है वो तैयार कर लेते हैं। अच्छा, चम्मच से लगाने में मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, तो अब मैं हाथ का ही इस्तेमाल करूँगी। बस ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो दूसरे करेंगे वो हाथ से ही करेंगे। चम्मच से मुझे मुश्किल हो रही है, ठीक है ना। अगर आपको भी जिस तरह से आपको आसानी हो आप उसी तरह से करना, ठीक है। सारे के सारे हम इसी तरह से बना लेते हैं। अच्छा, तेल जो है वो मैंने गरम पे रखा हुआ है ताकि वो थोड़ा अच्छा सा गरम हो जाए, क्योंकि हमको ये जो है ना वो स्लो आंच पे बनाना है। तो ये ज़बरदस्त से तैयार हो गए हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया था कि तेल मैंने पहले से ही गरम पे रखा हुआ था, फिर उसको मैंने स्लो कर दिया है। फिर मैं उसकी आँच बताती हूँ कि ये इसी आँच पर पकेंगे और इस टाइम बिल्कुल चम्मच नहीं लगाना है इसमें, ठीक है। अब इस तरह से हम इसको कांटे की मदद से इसको उलट पुलट करेंगे। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि बहुत मज़े के बनते हैं, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल के होते हैं। ज़रूर बनाएं, बच्चों को ज़रूर दें, घर वालों को भी बहुत पसंद आएंगे। चाहे तो आप चाय के साथ भी रख सकते हैं, या कोई मेहमान आए उनके आगे तो बहुत ज़बरदस्त हैं ये। बना के भी आप रख सकते हैं, जब कोई मेहमान आया निकाला फ्राई किया और खिला दिया। तो इस तरह से जो है ना, तो ये तकरीबन रेडी हो चुके हैं। तो देख लें, आँच इसकी बिल्कुल इतनी ही रहनी चाहिए। अगर तेज़ आंच होगी तो फिर ये आपको तो पता है कि ऊपर से ये जल जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसको चेक भी करेंगे कि चिकन अंदर से हमारी गली के नहीं गली। इसको थोड़ा सा अलट पलट कर लेते हैं, तो चेक करते हैं। देखें कितने आराम से जो है कांटा चला गया, तो इसका मतलब है अंदर से चिकन गल चुकी है। तो इसको हम निकाल लेते हैं। और भी हम जो बाकी के बचे हैं वो भी फ्राई कर लेते हैं। इनके भी साइड पलट लेते हैं। ये भी डन हो चुके हैं, इसको भी निकाल लेते हैं। ज़बरदस्त से अलबेक जो है नगेट्स आपके रेडी हो चुके हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।